में ब्रिटिश कालीन रफोली सिनेमा हॉल का भवन अब टूटने जा रहा है। यह भवन पूरी तरह से असुरक्षित हो चुका है, इसका एक हिस्सा टूट चुका है। वहीं अब नगर निगम ने इसे तोड़ने की अनुमति दे दी है और अब भवन जमींदोज किया जा रहा है। इससे शिमला वासियों के लिए ये थिएटर अब याद बनकर रह जाएगा। रिवोली सिनेमा हॉल का भवन अंग्रेजों के समय का बना हुआ है और यहाँ पर 1925 में मुर्गी खाना हुआ करता था, लेकिन 1930 में दिल्ली के एक व्यापारी बद्री प्रसाद ने इसे खरीदा और यहाँ पर थिएटर की शुरुआत की। उस समय ज़्यादातर अंग्रेजी फिल्में दिखाई जाती थी, लेकिन आज़ादी के बाद यहाँ हिंदी फिल्में दिखाई जाने लगी और यहाँ पर फिल्में देखने वालों की भीड़ उमड़ी रहती थी। शिमला का ये एकमात्र थिएटर था, लेकिन 2010 को भवन में दरारें आनी शुरू हो गई और नगर निगम ने इस भवन को असुरक्षित घोषित कर दिया, जिसके बाद ये थिएटर अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। उज्ज्वल हिमाचल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट शिमला। रोड व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी रहा हूँ और लगभग 40 सालों से मैं यहाँ पे हूँ, दुकानदारी कर रहा हूँ 40 सालों से। उस टाइम तो यहाँ पे दुकानें वैसे थोड़ी बहुत कम हुआ करती थी, सामने ये मेन दुकान आती, लेकिन यहाँ दुकानें हैं। यहाँ पे उस टाइम पे रिवोली थिएटर में फिल्में देखने के लिए लाइनें लगती थी और रात को लगभग कोई 11-12 बजे 1 बजे के लगभग शो छूटता था। उस टाइम तक भी हम दुकान खोल कर रखते थे, इतना रस होता था यहाँ पर। और उस समय में कोई भी इतनी उसकी जो मनोरंजन की चीज़ें साधन नहीं हुआ करते थे, ज़्यादातर साधन यही इसी का रिवोली थिएटर का यहाँ पर साधन होता था। एक रिटीज होता था, रिटीज भी बंद हो चुका। एक साई सिनेमा होता था, वो भी बंद हो चुका और ये भी बंद कर दिया गया और इसको आजकल तोड़ा जा रहा है। लगभग मेरे ख्याल 5-7-8 साल से इसको अनसेफ घोषित करके जो है ना इसको बंद कर दिया गया। इनका कुछ डिस्प्यूट था जो आपस में, किस जगह किसी और की थी, चला कोई और रहा था इसको, वो आपस में इनका डिस्प्यूट था और वो डिस्प्यूट होने की वजह से ही ये बंद हुआ है। अब ये जो इसके मालिक है वो इसको तोड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स।